पानी ओवरफ्लो हो गया सारा, सीवर रुक गए जी, पहाड़े थले बेसमेंट जाके तुम जाके थले देखो जी कितना नुकसान हो गया जी। इतना बुरा हाल कभी हमने पूरी ट्राई सिटी मेरे ख्याल से नहीं होगा। तुसी जुड़े हो विजन पंजाब टीवी दे नाल ते मैं मनप्रीत औलख। पंजाब खरड़ दे विच खड़े हाँ जिथे थोड़ी जी बारिश हुई है ते हालात तुसी देख सकते हो कि पूरा शहर पानी पानी हो गया है। लत्तां भेजरियां ने, बूट भेज रहे ने, तुसी देख सकते हो मेरे भी बूटां दे विच पानी वड़ गया है। गड्डियां किवें भिज भिज के जा रही ने, बड़ा औखा होया पिया। कोई भी दुर्घटना कदों भी वापर सकती है, ये पहली बारी नहीं होया। हरेक बार जो वध बारिश हो जाती है थोड़ी जी तो हमेशा अजिहियां तस्वीर सामने आउंदियां रहिंदियां ने, ते इस बार भी कुछ तस्वीर अजिहियां ही ने। तुसी देख सकते हो कि दूर दूर तक मैं कैमरामैन नूं कहूँगा दिखाउण दी कोशिश करन कि किवें दूर दूर तक पानी पानी भरिया होया इस कलोनी दे विच जिथे खड़े आ। हालांकि इत्थे बहुत वड्डियां वड्डियां कलोनियां ने, वड्डे वड्डे इनकलेव ने इत्थे इस जगह दे उत्ते, पर इहदे हालात की ने तुसी देख सकते हो। हालांकि इत्थों दे जो MLA ने मंत्री भी बन गए ने हुण तां सुखना कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि असीं अधिकारी नियुक्त कर दिते है ते जल्द तो जल्द जिहड़ा मीह वाला पानी है उसनूं बाहर कढ़िया जाएगा। पर जिन्ना चिर अधिकारी नियुक्त कीते ने उन्ना चिर इन्हां ने काम करना है, तो जिन्ना चिर यह काम इंप्लीमेंट होएगा उन्ना चिर इत्थों दे लोकां दे हालात की ने, जां इत्थों दे लोक की मुश्किलां दा सामना कर रहे ने, ये तुसीं देख सकते हो। अगे भी तुहानूं दिखाउण दी कोशिश करांगे ते लोकां दे नाल भी गलबात करांगे कि कदों तो अजिहियां मुश्किलां दा जो सामना करदे हो कर रहे ने ते कदों तो इत्थे पानी भरिया। कि हरेक वार इदां दा हालात बन जांदे ने कि कोई प्रशासन दा बंदा इत्थों तक नहीं पहुँचदा, तो लोगों के नाल भी गलबात करते। तुसी देख सकते हो कि सानू उन्हां तक पहुँचने दे लई भी बड़ा औखा होना पऊ। मैं कह रहा जी वीर जी पानी ओवरफ्लो हो गया सारा, सीवर रुक गए जी, पहाड़े थले बेसमेंट जाके तुसी जाके थले देखो जी कितना नुकसान हो गया जी। क्या सीवरेज सही तरीके दे नाल कुछ नहीं होया जी, उरे सारा ऊंचा नीचे उरे देखो सारा मतलब स्विमिंग पूल बने हुए जी, क्या करिए जी, ना कोई सुनदा ना करदा कोई देखदा जी। सीवरेज जिहड़े बने हुए है ये लोगों ने आप ही उच्चे कराले, हुण उन्हां दे विच पानी नहीं वड़ रहा। नहीं नहीं यहोजा कुछ नहीं है जी, ये जो पहले ऊंचे नीचे बने हुए जी, लोग क्या करोगे, पहला ही गलत बने हुए हैं जी। या चलो जो पहले बन गए हूँ तो मतलब कि प्रशासन का मतलब कि कब फर्ज बनता मतलब कि इन्हों ठीक करिए, लोग मार रहे हैं वो सारी सोसाइटी देखो खाली हो गई जी, परले पासे जाके देखो सारे लोग तुर गए जी, चार चार फुट पानी है जी देखो जी। कोई आया नहीं अधिकारी, नहीं आया अधिकारी पिछले हफ्ते जरा मतलब कि पानी पै जो मतलब एक्शन साहब आए थे वो कह लगे भी असं करावे जी, और MC बेचारे खुद लगे हुए हैं राजी रूजी और बतेरी मतलब मदद कर रहे हैं, राजी का चंगा बंदा कर रहा है, बाकी राजी क्या करूंगा जब तक उपर वाले अधिकारी ना समझ। कोई आया अधिकारी, कोई लीडर लूटर आया? एक्शन साहब आए थे वो कह लगे जी असं करावे थोड़ा बहुत कराया, फिर वो दीवार दूर जी बनाई थी बेटी की भाई माड़ा मोटा करा के एक चले जाते बाद चो फिर कुछ नहीं है जी, पक्का हेला तो कोई कोई करा नहीं रहा जी। देख सकते लोगों दुकानों के जेडे थले गडाउन बने होंगे उन्होंने भी पानी भर चुक है। तुसी देख सकते हो कि मोटर लगा के पानी काढ रहे ने, इन्ना पानी भर चुका है पूरी कलोनी कहिंदे खाली हो चुकी है। तो लोगों के नाल अंकल जी किन्ने समय तो अजिहियां तुसी इत्थे रह रहे हो काफ़ी समय तो, किन्ने समय तो अजिहे हालात बनते? ये जो बरसात है मौसम ये तो बहुत बुरा हाल रहा, वैसे पहले इन्ना नहीं होंदा सीगा, हुण तो बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और ये 5-6 बार हो चुके हैं, प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, प्रशासन आया भी था यहाँ पे, पर जो परमानेंट इलाज कोई नहीं हो रहा है इसका, सबका नुकसान हो रहा है। दुकानों पे अंदर पानी चला गया, घर वालों के बर्तन तक बाहर आ चुके हैं, यानी कि इतना बुरा हाल कभी हमने पूरी ट्राई सिटी मेरे ख्याल से नहीं होगा। कहते स्मार्ट सिटी है ट्राई सिटी, चंडीगढ़ के नाल लगता एरिया, वही चीज़ कह रहे हैं भी क्या नाम है भाई, देखो स्मार्ट सिटी कह लो तुम ट्राई सिटी कह लो, पर सानू तो यह देखने में लगता है भाई ये समुद्री है भाई, आप इन क्या कही है भाई, सवेरे आंद राति असी राति जाते असी घर सवेरे बेसमेंटा में पानी बढ़िया भरया होता, क्या करिए बताओ, नुकसान हो गया थोड़ा कम से कम 1-1.5 लाख रुपये लॉस है जी। लख 1.5 लाख रुपये का नुकसान इस मीह ने,
जेकर प्रशासन ने पहला ही इंतजाम असल इंतजाम प्रशासन उदो चेता आ जो कोई मुश्किल पैदा हो जाती है, जो सारा पानी खड़ जाता, जो लोग घर तो बाहर निकल आते हैं, जो प्रशासन सरकार लाणता पैदा ने उदो ही पता लगता इन्हों। तो बई भी बैठे हुए हैं, बई बई होर तक पहुँचने की कोशिश करा, जे सड़क पार होगी तो सड़क पार कर भी कोशिश करते हैं। तो कई बार जो वीडियो पाई दी है तो कमेंट थले आ जाते कि भाई माइक फड़ के पत्रकारी करता फिरदा भाषण घोट रहा, पर कई बार अजे हालातों के माइक फड़ के लोगों तक पहुँचना भी पैंदा। पानी तुसी देख सकते हो कि गोड्यां तक आउंदा पानी, इन्ना भरिया होया। बाई हरी बैठे ने, बाई होरां नाल भी गलबात कर लैने आ। बाई लगता कलोनी दे ने जिस कलोनी दे विचों पानी कढ़िया जा रहा है, की हाल है बाई? बाई कदों तो भरिया हो पानी? कुछ नहीं कह सकते, थोड़े सामने ही चेक कर लो। लो जी हुण कलोनी दे अंदर आ चुके आ, बाहर तुसी देख सकते सी पानी दा फ्लो किन्ना सी, पर जदों हुण अंदर आए हैं कलोनी दे विच तां डुब्बण वाली हालत है। तुसी देख सकते हो कि सानूं इस हालात दे विच रिपोर्टिंग करनी पै रही है, पूरी कलोनी दे अंदर पानी भर चुका है। तुसी देख सकते हो घरां दे अंदर पानी है, तो हुण बाहर भी कढ़ना औखा क्योंकि अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, ना वो अंदर दे रहे ना बाहर दे रहे। फर्नीचर तक कहा जा रहा है खराब हो गए ने, लोगों के घर लखां दा नुकसान क्योंकि महंगा समान हुंदा घर दे विच, लोकी काम कार ते जान तो भी जिहड़े आ ओह वांझे ने क्योंकि इन्ने पानी दे विच निकल के बाहर जाना। अते इस तों इलावा पूरी कलोनी इस समय हालांकि शांत पई है क्योंकि सारे घर के अंदर ने, क्योंकि उन्होंने पता है ना असीं बाहर निकल सकते। भाई जी गड्डियां खड़दियां जी, पिछली बारी जदों फ्लड आया पानी आया सारे दीआं गड्डियां च पानी बढ़ गया, पांच 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 छे छे हज़ार रुपये खर्च के लोगों ने गड्डिया दोबारे स्टार्ट कराई हैं, हूँ फिर पानी आ गया। अच्छा, एक बार इदा हाँ जदों दे असी इत्थे असी तां देख रहे हैं हाल है, इकट्ठे हो के जाते कि उन्हें कि भाई साडा दा नुकसान हुंदा। तुहानूं पता होना हफ्ता पहला भी असी इत्थे जाम लाया सी, चार घंटे सड़क बंद रखने के बावजूद SDM साहब आए, तीन दिन की मोहलत लैके गए, उस तो बाद कोई काम नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाते ट्रैक्टर लिया के खड़ा कर देंगे। वो किन्ना क पानी कढ सकदा इत्थों कलोनी चो, तुसीं आप देखो सारी कलोनी ये साढ़े ओम एनकलेव। उस तो बाद पिछली बार तो वैस्टर्न टावर च भी पानी चला गया, ऐतकी उधर बचा रह गया, लोगों ने कुछ अपने हीले वसीले किए हैं। असी भी यह देखो घर के मूहरे चार चार इटा ला के सीमेंट ला के पानी रोकने की कोशिश की है, बट फिर भी जो सीवर के थ्रू पानी घर के अंदर चला गया। तो एक बार घर के अंदर का नज़ारा देखो, असी सारा समान चट्ठे ला के एक कोने पर रखे हुआ है। तुसी देख सकते हो कि जिथे जिम्मेवारी प्रशासन की है कि सारा इंतजाम करे, पर लोगों ने आप ही अपने घर के बाहर जुगाड़ लगा के पानी रोकने की कोशिश की थी, पर पानी रुकया नहीं। तुसी देख सकते हो कि जिवें जिवें अगे वधदे जाईदा पानी का फ्लो वधदा जांदा, पानी उन्ना ही वधदा जांदा, घर के अंदर भी पानी है, लोगों ने अपने समान बड़ी मुश्किल के नाल बचाए हुए। घर के अंदर दीआं तस्वीरां भी दिखावांगे तुहानूं कि इस समय लोग घर रह किवें रहे ने, क्योंकि जिहड़े अधिकारी ने तादे ऑफिसां दे विच पैसे खर्च के खुद पानी रोकण वास्ते, बट हुण तुसीं देखो घर दे अंदर। तो कैमरामैन नूं कहूंगा कि घर दीआं तस्वीरां तुसीं दिखा सकदे हो कि किस तरीके दे नाल, तुसीं देख सकदे हो कि घरां दे अंदर तक पानी है, घरे भी रहना औखा बाहर भी रहना औखा। जिहड़े अधिकारी ने जिवें SDM दी गल कर रहे ने, उह कि हरेक वारी आउंदे ने वादा करके चला जांदे ने पर हुंदा कुछ नहीं। तो तुसीं सवेर दे पानी कढ रहे हो? पानी कट के सुटांगे कितने जी? पानी सुटन जो कोई जगह होनी तो सुटिए ना कट के भाजी, साडा तो रहना औखा हो गया इतने, तो कितने समय तो इतने रह हूँ? सानू साल हो गया इतने, तो बस पिछली बार भी असीं गुरुद्वारे च रहे सी, हर एक बार मैं तो पहली बार नज़ारा देखा है। तो वो पानी वो सारा वो डिगदा जाके तो पिछों जो बरसाती पानी आता कई पांच सत्त पिंड होर कट्ठा हो गए, वो भी इधर नूं क्योंकि पहला देसू माजरे का जोड़ा चो सीगा पानी का, पानी इधर कलोनिया बनने करके वो बंद हो गया, पानी सारा ये प्लॉट के आके डिगदा, ये पानी प्लॉट फिर सारे सजू माजरे को कवर कर लेंगे। अच्छा, ऐतकी जो चोण आई सी तुसी रखिया नहीं मुद्दा नवे MLA दे कोल कि भाई सानू आ मुश्किल आउंदी आ भी सानू हल कर? सर जी पांच सालों तो एप्लीकेशन जा रही हैं पिछलियां सरकारां कोल भी हुण दिआं नूं भी सारा कुछ करके देख लिया, फिर वही हाल है। शर्म कौन है, प्रशासन की सरकार? तुसी अफसरशाही नूं भी कह सकदे हो जी, ते जिन्हां नूं चुण के विधानसभा च बिठाने उन्हां नूं भी कह सकदे हो। नहीं अज MLA का कहना कि असी सारे प्रबंध कर लिया बड़ी जल्द पानी कढ़ांगे, तुसी MLA साहब नूं इत्थे लियाओ या इस एरिया दे MP नूं तिवाड़ी जी नूं लियाओ, आप आके देख लैण की हाल है साडे इलाके दा। बिल्कुल, लोगों का कहना कि जां तां MLA इत्थे खुद हाँ जी इत्थे आके देख लैण कि किस तरीके के हालात है, होर भी तुहानूं घरां दीआं तस्वीरां दिखावांगे जिद्दां दे विच पानी भरिया होया। तो लो जी एक होर घर की तस्वीर दिखा दे रहे जिथे लो जी पूरा पानी है, सोफे देखो क्या हालत हो।
तो तुम देख सकते हो पूरा घर सोफे फर्नीचर। हुण मसला यह कि जो नुकसान होया इसकी भरपाई कौन करेगा? एस डी एम करनगे क्योंकि उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि पूरे घर दे विच पानी है, बिजली का पूरा प्रबंध हुंदा, कोई भी घटना वापर सकती है, रोटी बनाउणा उन्हां नूं औखा होया पिया, रहना सहना सवेर का औखा होया पिया। ये तो जे हुण पानी ना रुकिया उन्हां नूं होर भी औखा हो जूगा, बीमारियां का भी कारण बन सकदा। बिल्कुल बिल्कुल, आ देखो मी अपने हाथ दिखाओ, मच्छर ही मच्छर। किन्ने कु दा नुकसान हो गया तुहानूं लगदा? नया फर्नीचर है हमारा, ये नए फर्नीचरों का नाश हो गया है। ये देखो दो दिन पहले हुआ था, अभी फिर से हुआ, तभी कहा था कि ये सारा काम हम कर देंगे, अभी नहीं होगा, ये फिर से हुआ है। कर दो प्रशासन को इतना नुकसान, कोई तसल्ली मिली नहीं है मैं प्रशासन की तरफ से, कोई तसल्ली नहीं है, बस कह रहे चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। देखो ये आपके सामने चल ही रहा है। कम से कम ग्राउंड फ्लोर वालों को 1-1.5 लाख रुपया देना चाहिए, हमारे सारा फर्नीचरों का जो नुकसान हुआ, 1-1.5 लाख रुपया एक एक घर को मिलना चाहिए। पिछली बार सारे जो व्हीकल है वो सारे व्हीकल खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गया हमारा सारे, ये देखो आप, फिर करवाया ये करवाया, मोटर रिपेयर कर सारे, इसकी एक्टिवा रिपेयर करवाई, जिसके पास गाड़ी है उन्होंने रिपेयर करवाई, सारा रिपेयर करवाया, फिर से खराब हो गया सारा। जाए तो जाएगा, अपना मकान लिया, बताओ कहाँ जाए। तुम देख सकते हो इतने एक मोटर लगी है पानी की, पानी ये करंट आ तो करंट के पानी का केंद्र वैर हों इट तो कुत्ते वाला, तो उस करंट के कारण कोई ना कोई कहा जा रहा है कि सवेर तो 2-3 जन करंट भी लगा है। इतने लोग उन्होंने गलबात कर दिने, हरेक बारी बजट के रखा जाता है कि लोग जिन्ना भी शहर का प्रबंध है वह करा, मेयर बनाए जाते, एस डी एम बनाए जाते, वक् वक् डिपार्टमेंट अगे बढ़ दते जाते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कि लगता है कि कोई प्रॉब्लम वो जो डिपार्टमेंट वंडे जाते कोई फायदा होंगे? बिल्कुल नहीं, ये प्रॉब्लम 2018 तो तीसरी बार है, हर 5 मिनट की बारिश या 10 मिनट की बारिश के बाद पूरे एरिया भर जाता है। ये असं CM भगवत मान जी लिख चुके हैं, अनमोल गगन मान जी लिख चुके हैं, बट साढ़े इतने के MLA है, अनफॉर्चुनेटली इधर एक बार देखन तो ही नहीं आए, वो अपनी गड्डी बैठ के सीधा चंडीगढ़ असैम्बली में जाते, इधर एक बार देख नहीं आए। उन्होंने तो पहले तो केजरीवाल भी इस एरिए आए, केजरीवाल भी आए थे, बट केजरीवाल जिदा कह रहे भी वो दिल्ली तो आऊगा, उसका यह थोड़ी है कि दिल्ली तो उठ के आएगा, जब इतने स्टेट गवर्नमेंट बन गई है तो फिर केजरीवाल थोड़ी आएगा, मोदी सारी जगह थोड़ी जाएगा, वो तो जी स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने लुक आफ्टर करना है। तो भगवंत मान जी ने साडे MLA मिनिस्ट्री तो देती, बट अज तक इतने विजिट नहीं किए, क्यों नहीं आते विजिट करने? ये तो आई वॉश करने कभी SDM आ गया, कभी SDO आ गया, वो बेचारे लोअर लेवल की करोगे? असी मैं खुद डायरेक्ट कई बार व्हाट्सएप ते इंस्टाग्राम ते उन्होंने शेयर किया, आज भी मैं लिंक किया शेयर, और इंस्टाग्राम ते मेरी लिंक रिमूव हो गई सी थोड़ी देर ले, क्योंकि मैं CM भगवत मान जी ने लिखा, अनमोल गगन मान ने लिखा, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई रिस्पोंस नहीं आता। अनमोल गगन मान तो इतने रही ना खरड़ चो, मैं उन्होंने इन्ना भी लिखा कि ठीक है ऐतकी तो तुम आ गए ना, कोई गल नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का बहुत पुराना मैंबर है, पेड मैंबर है, सिंस जो आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी मैं उस वेले का है, सीनियर सिटीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो रिटायर्ड HR हैड है, मैं इन्हों बुलाई दा आते नहीं इतने, इन्होंने मैं इन्ना भी किया ठीक है मैं आम आदमी का पार्टी मैंबर है, पर ठीक है नैक्सट टाइम जब वोटा पगिया जिदा मिस्टर कनवर का हाल होया ना, उन्होंने पार्टी तो आउट किया, तो गगन मान भी तो 5 साल का मामला है ना, 5 साल बच्चों 6 महीने निकलते जा रहे, 4.5 साल इतने नहीं आओगे तो अगली बार तो खुद असं एंटी इनकम्बेंसी चलावे, फिर असं क्यों देवे आम आदमी पार्टी वाले वोट? पहले कहें गल सुना बिल्कुल कहें वो तो जद ही जीती हैगी, एक बार तो शक्ल भी नहीं दिखाई, वो तो अभी TV देख के पछाणी था, इन्होंने अनमोल गगन मान कहें कि फिजिकली सामने आ जाए तो अभी पछाणी ना, सारे कोई आते सनी एनकलेवा चक्कर मार के निकल जाते, जबकि इधर सनी एनकलेव तो बड़ी कॉलोनी इस एरिए मुंडी खरड़ के कहते भी योजा काम करा कोई होर सरकार आनी नहीं पंजाब। हाँ तो कर रही है ना, कि आवेंगे नहीं तो कम उदा की सरकार ने किसी ने कुछ करना ही नहीं है, जब आके तो कम करेगी ता ही हो गया ना, तो उदा काम तो हो गया ना, कि ना इधर आए ना कोई काम हो, तो बाकी सरकार ने कुछ तो किया रुपये चार आने का किते। हाँ जी साडा घर अंदर देखो 3 बार आ गया हूँ, हूँ यही हफ्ते हूँ साडा सारा समान खराब हो गया, रजाइया कपड़े जो साडे पाउने वाले कपड़े से सारे खराब हो गए, हरेक बार बरसातां च इदां ही, हरेक बार पहले नहीं सी ये हूँ होया, ये 4 साल हो गए, वैसे हूँ भी पहले नहीं सी, सानू 15 साल हो गए इत्थे रहिंदे नूं, पहले घट सी पर हूँ ज़्यादा हो गया, ये हूँ का तो होने लग पे जी पता नहीं पिछे पानी आया होना जी, 5वीं बार बढ़िया जी, अज सीवरेज सही नहीं बने लगा, सीवरेज ही नहीं सही ना, ता ही इधर
मैनेजमेंट सही नहीं है ना जो मैं तुम दस फ्लाईओवर की जी ड्रेनेज है जी भी बरसाती पानी की ड्रेनेज है वो सारी है पांच किलियां दे प्लाट करती ना इन्होंने इधर करती अपने सारी नहीं पहले तो इन्ना है नहीं चलो थोड़ा होंगे बारिश आती सी थोड़ा होंगे चलो लंघ जाते पर इन्ना नुकसान नहीं सी हुंदा बच्चे बच्चे ठीक ने बच्चों कोई बच्चे ठीक है पर बच्चों के पैरों से सारे जो हो गए जख्म हो गए एक गंदे पानी से फिर के बेटा है बेटे के पैर से खारिश होकर ना तो हूँ वो सगो दवाई चल रही है बिलकुल घर छोटे बच्चे ने बुजुर्ग भी होंगे तो उन्होंने कह कह रहे कि पैर खराब हो गए ने इनफेक्शन होंगे पैर ठीक करवा के जिन जिहड़े भी घर च गड्डी हैगी है उन्होंने पहला पिछले पानी कारण खराब हुई ठीक करवाइया ठीक करा के रिश्तेदार के घर खड़ा गए हैं जिथे पानी नहीं जाता ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਗਏ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਲਾ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੇ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਪੇ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖਰੜ